हम आ गए हैं लाल बाग फ्लावर शो देखने और आपको भी दिखाने ये रिपब्लिक डे का फ्लावर शो है जो कि 18 टू 28 जनवरी तक है और आप यहाँ पे आ सकते हैं सेवन ए एन टू सेवन पी एन एंड इसका जो प्राइस है वो है आपको एंट्री फी वीक डेज़ में आपको सेवेंटी रुपीज़ अडल्ट के लिए एंड थर्टी रुपीज़ किट के लिए वीकेंड पर एटी रुपीज़ अडल्ट के लिए एंड थर्टी रुपीज़ किट के लिए और अगर किड अगर स्कूल यूनिफॉर्म में है तो ये आपको फ्री एंट्री मिलती है जब आप इंटर करो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फ्लावर क्लॉक जो कि क्लॉक है बट उसको डेकोरेट किया जाए फ्लावर से और यहाँ पे जो है सीजनल फ्लावर भी लगा हुआ है जैसे देख सकते हो वहाँ पे आप सारे जगह में जो फ्लावर लगा हुआ है कि यहाँ पे ईयरली दो टाइम जो है फ्लावर शो होता है फर्स्ट होता है फिफ्टीन अगस्त को एंड सेकेंड होता है ट्वेंटी सिक्स जैन को तो तो लालबाग पहुँचने के लिए आप मेट्रो ले सकते हो या फिर कैब ले सकते हो और अगर अपने व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है पार्किंग लॉट मिल जाएंगे आप वहाँ पे टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर जो है पार्क कर सकते हो लालबाग के स्टार्टिंग में आपको ऐसा सीजनल फ्लावर देखने को मिलेगा एंड फाउनटेन भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और ये जो सनफ्लावर का जो फ्लावर था वो बहुत ही खूबसूरत था अभी जो है स्टैंड के पास हम चलते चलते आ गए हैं यहाँ पे एक जगह इन बनाया है उन्होंने जो कि है यहाँ का जो फार्मिंग आपको पता होगा हाउस में फार्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वही उन्होंने यहाँ पर रिप्रजेंट किया है इसके सामने ही जो है हमारा ग्लास हाउस भी है जो कि मेन अट्रैक्शन होता है तो वहाँ आपको हम अभी लेके चलते हैं ग्लास हाउस के सामने जो है आपको ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन देखने को मिलेगा और इस बार का जो थीम है वो आपको विश्वगुरु वश्वर्णा एंड वाचना साहित्य पे बेस्ड है और विश्वगुरु जो थे वो ट्वेल्थ सेंचुरी के पोएट एंड फिलोसफर थे यहाँ पे आपको वशवन्ना का स्टैचू देखने को मिलेगा और उसके बगल में जो है आपको फ्लावर की वैरायटीज देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपको कर्नाटका एंड ऊटी के लोकल वैरायटी तो देखने को मिलेंगे ही साथ में आपको 65 तरह के इंटरनेशनल फ्लावर के वैरायटी भी देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो है फ्लावर के वायटी जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो ग्लास हाउस के वॉल पे आपको ये पोस्टर देखने को मिलेगा जिसमें वशव सन्ना के बचपन से लेके उनके अंतिम समय तक का स्टोरी मिल जाएगा जो कि इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वशवरणा जो एक टीचर भी हुआ करते थे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वशवरना जो है अपने वाचना जो है लोकल लोगों को बता रहे हैं तो ये सिनेरियो वही दर्शा रहा है कि ये अपने लोकल लोगों को अपने वाचना बता रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लावर का तो यूज हुआ ही है साथ में आपको बैम्बू का भी यूज हुआ है डेकोरेशन के लिए और ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एंड सारा जो है लोकेशन आपको फोटोजेनिक भी है एंड यहाँ पे आपको जो है कर्नाटका का लोकल कल्चर भी देखने को मिलेगा तो ये जो जगह है यहाँ पे आप बहुत सारे फोटो एंड वीडियो बना सकते हो क्योंकि ये बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस भी है एंड यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा तो अगर आप अपने बच्चों के संग आ रहे हो तो उनको भी जो है हिस्ट्री का नॉलेज मिलेगा तो उनके साथ भी आप आ सकते हो एंड अगर आप फ्रेंड्स लोग के साथ आ रहे हो तो उनके साथ भी आ सकते हो तो ये उनका जो है ग्लास हाउस के बाहर का डेकोरेशन है जो कि वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आप जो फ्लावर शो में आओगे या तो 15 अगस्त को आ जाओ या 26 जनवरी को आ जाओ ये वाला डेकोरेशन जो है वो सेम ही रहता है हमेशा एंड उस साइड जो है आर वाला रहता है वो भी सेम रहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ चलो आपको जो तो है वो आर्थ वाला दिखाते हैं और उस साइड भी जो है बहुत अच्छा जो डेकोरेशन किया हुआ है तो वो भी दिखाते हैं चलो तो आप ग्लास हाउस से बाहर आओ तो ये एरिया भी आप जो है एक्सप्लोर करना यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है एंड साइड में एक एरिया होता है ये वाला जो कि आपको वेजिटेबल्स का यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा उसकी जो वैरायटी होती है उसका नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा तो ये भी एरिया जो है आप मस्ट जो है आओ ये तो ये था मेरा रिपब्लिक डे का फ्लावर शो का कंप्लीट वीडियो और ये भी फ्लावर शो जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमें तो होपुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दे और हमने बाय